गुड इवनिंग सर। सर गया कल के इंसिडेंट को लेके आज कुछ लोग भी कुछ कल्प्रिट लोग भी अरेस्ट किया जा रहा है, तो उस चीज़ को लेके अभी पब्लिक काफ़ी हल्ला हो रहा है कि कहीं ना कहीं से ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इस चीज़ को लेके क्या कहना है सर? पॉलिटिकल मोटिवेशन का जो बात बोल रहा है वो सरासर गलत है और मैं स्ट्रॉन्गली इसको रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि अभी कोई हमें पॉलिटिकल दबाव डाल नहीं सकता है। अभी हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टाफ है, किसी गवर्नमेंट का स्टाफ नहीं है अभी। तो अभी कोई मंत्री नहीं है, कोई ऑपोजिशन नहीं है, हमारे लिए कोई रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी नहीं है। हमारे लिए खाली जितना भी लोग है वो एस्पायरिंग एमएलए कैंडिडेट्स है और एस्पायरिंग एमपी कैंडिडेट्स है, तो हमें कोई पॉलिटिकल दबाव डालने का कोई है ही नहीं अभी। तो हम लोग अभी अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए तो उसके तहत कार्रवाई होता है, तो पॉलिटिकल मोटिवेशन का कोई सवाल ही नहीं है। सेकेंडली, जो जिसने कानून को अपना हाथ में लिया है और पथराव किया है, कल जो आप इंसिडेंट देखा होगा, वीडियो भी देखा होगा आप लोग ने, तो उसका अकॉर्डिंगली लॉन्गडिंग पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया है, लॉन्गडिंग पुलिस केस नंबर 15/24। तो इसका तहत अभी जो कानून का जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो चालू है, तो इसका तहत अभी जो 5 लोग अरेस्ट हो रहा है, और अभी जिसने एक्यूज लोग ने जिसको अरेस्ट किया है तो वो अपना स्किन को बचाने के लिए, अपना आपको बचाने के लिए कुछ तो काउंटर एलिगेशन तो डालेगा, और फिर भी हम लोग जो कर रहे हैं वो इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस, वीडियो एविडेंस के तहत और विटनेस का एविडेंस के तहत, जिस जिसको आइडेंटिफाई किया है, जिसने हाथ में पत्थर लेके मारा है और इंजरी कराया है, तो उसका अगेंस्ट में कार्रवाई हो रहा है, कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है। सर कितने लोग अरेस्ट किया बोले? अभी तक 5 लोग को अरेस्ट किया है, और जो जो भी वीडियो में दिख रहा है और जिसको आइडेंटिफाई कर सक रहा है, हम लोग उनको फॉलो अप एक्शन ले रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि एसपी को पत्थर लग गया इसलिए अरेस्ट कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। ये आम आदमी हो, एसपी हो, या भी कोई भी आदमी इंसान हो, अगर किसी को अगर आप चोट पहुंचाता है तो कानून में केस दर्ज होता है, और जब केस दर्ज होता है तो कानून का नॉर्मल प्रोसेस है। अभी अरेस्ट होना वो नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेशल केस है बोल के। तो अभी तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट उल्टा बहुत बिजी है कि कैसे करके अभी इलेक्शन कंडक्ट करना है बोल के, तो उस प्रोसेस में हम लोग सब बिजी है, तो स्पेशल कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जस्ट नॉर्मल जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हुए अरेस्ट वगैरह चल रहा है। और बाकी लोग को भी हम ये संदेश देना चाहता है कि आने वाले समय में भी जो भी कानून को अपना हाथ में लेगा तो उनका अगेंस्ट में उचित कार्रवाई होगा, उनका अगेंस्ट में केस दर्ज होगा, और उनका अगेंस्ट में अरेस्ट भी हो सकता है। अरेस्ट अगर जरूरी नहीं होने से हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में होता है 41A का CRPC का नोटिस भी दे सकता है, नहीं होने से हम लोग बुला के स्टेटमेंट लेके भी छोड़ सकता है। तो ये बस लीगल प्रोसेस है, कानून का जो अपना प्रक्रिया है, प्रोसीड्यूर्स है, उसको फॉलो कर रहा है। अदरवाइज हम लोग ये फॉलो नहीं करेगा, केस रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, हम लोग ये बोलेगा कि ये बस्ती लोकता सेंटिमेंट में किया है, इग्नोरेंस है बोल के छोड़ेगा, तो कल को हर कोई यही रास्ता अपनाएगा, तो किसी न किसी को तो कानून का जो धंधा है, जो सबक है, वो तो सिखाना पड़ेगा, ताकि हमारा लोग एक डिसिप्लिन में रहे, कानून को पालन करे, तो उसी के लिए कार्रवाई हो रहा है। ओके, थैंक यू सर।